तनवीर साहब का इंसाफ करो, तनवीर साहब का इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, तनवीर साहब का इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. सईद फयाज बुखारी एज अ सोशल एक्टिविस्ट बडगाम कुंडूरा से। इस वक्त हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तनवीर अहमद जो प्रोफेशनल बाय प्रोफेशन एक टीचर, गवर्नमेंट टीचर थे, बीरवा आरिजल बडगाम से थे, उन्हें हाल ही में जो है हेडवाना में उनको एडमिट किया गया था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से एक गलत नर्व कटने की वजह से वो कोमा में चले गए। उसके बाद जब उस चीज़ पे एक प्रोटेस्ट, छोटा प्रोटेस्ट हुआ था, तो उनको शरीन बाग हॉस्पिटल में जो है मुंतकल किया गया, ये सब छुपाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये इतना नाकारा हो चुका है कि वहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर बैठे थे उन्होंने सीनियर डॉक्टर से जिस वक्त कॉल की उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो उस लापरवाही की वजह से वो कोमा में चले गए और कल शरीनबाग में उनकी डेथ हुई। और आप ये समझ सकते हैं कि एक टीचर को बनाने में कितना वक्त लगता है। आरिजल जो कि तोस्मदान के दामन में वाका है, वहाँ से उस टाइम लड़के को कॉलेज भेजना, कितनी मुश्किलात वक्त में उनको पढ़ाया गया और उनको टीचर बनाया गया ताकि वो कौम की रहनुमाई कर सके और हमारे कौम के बच्चों को पढ़ा सके। हम एलजी साहब से एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे, हम डायरेक्टर एजुकेशन से ये मोतबाना अपील करते हैं, हम हेल्थ जो डायरेक्टर साहब है हेल्थ के, उनसे हम अपील करते हैं कि इस चीज़ पे वो कार्रवाई करें और इसकी जान छानबीन हो जाए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब